नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट ग्वार गम फ्रॉम इंडिया, यानी गवार फली जिसको बोला जाता है। तो गवार गम को इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कितना उसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्या HS कोड है, क्रॉपिंग कम होती है कब होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है, ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, सोर्सिंग हम उसको सस्ते रेट पर कहाँ से कर सकते हैं, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट क्या है, डिमांड कहाँ पर है, कौन से टॉप इंपोर्टर हैं एक्सपोर्टर हैं और टॉप एक्सपोर्टर कहाँ पर है, उसके गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या है, EPC क्या है, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके हैं। छोटे से वीडियो में बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए हम जिसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम काम करते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन यहां पे बहुत अच्छा है। 40 रुपए से 60 रुपए तक का आपको ये इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन मार्केट में आपको इसको मिल जाएगा। और इसको आप अगर जैसे रिटेल, अगर USA में अगर आप देखें या फिर अमेरिकन कंट्रीज में देखें कहीं भी अगर इसको आप देखना चाह रहे हैं, तो इसका प्राइस आपको डॉलर में $20 से $30 पर केजी के हिसाब से आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये अगर 40 रुपए से $20 अगर बेच रहे हैं, $20 का अगर कन्वर्जन करें तो 1400 रुपीज आता है, यानी 40 रुपए से 1400 रुपए तक का आपको मिल रहा है, यानी 4 या 12, यानी लगभग आपको 3000% तक का बेनिफिट मिल रहा है, यानी आपको यहां पर 3000% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन कब है, जब आप 40 रुपए का यहां से लेंगे और $20 का वहां पर बेचेंगे, लेकिन $20 का वहां पर रिटेल प्राइस है, तो रिटेल प्राइस वाला प्राइस तो आपका इंपोर्टर आपसे नहीं लेगा। ये मैं कई बार अपनी वीडियो में भी बताया है कि जो आपको वहां वेबसाइट पे दिखाई देता है वो B2C वेबसाइट से, तो B2C मतलब जो बिजनेस कस्टमर को जिस प्राइस पे देना पसंद करेगा वो प्राइस वहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उस प्राइस पे कई बार ये क्वेश्चंस भी मेरे कई सब्सक्राइबर पूछते हैं कि ये जो वहां पर जो प्राइस दिखाई दे रहा है क्या उसी प्राइस पे हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो नहीं फ्रेंड, उतने प्राइस पे यहां से आपका इंपोर्टर आपसे नहीं लेगा। लेकिन हां ये गारंटीड है कि अगर ग्वारफली का आप यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो यहां से आपको 300 से 350% तक का, इवन समटाइम 400% तक का भी आपको यहां पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है 300 से 400% तक कहीं गया नहीं। तो ग्वारफली बहुत अच्छा है, उसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी अच्छी, हम एप्लीकेशन का सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ग्वार गम। ग्वार गम फ्रूट इंडस्ट्री में भी यूज होता है। देखिए उसकी एक कला, एक उसका अच्छा जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वो किसी भी चीज में डालते हैं तो वो एकदम से उसमें घुल जाता है और उसका जो है वो उसको कॉन्सेंट्रेटेड कर देता है, थोड़ा गाढ़ा कर देता है। तो देखिए फूड इंडस्ट्री में अगर आप बात करें तो फूड इंडस्ट्री में वहां पे स्वीट्स में भी वो यूज होता है, सोप में यूज होता है, सूप में यूज होता है, केचप में यूज होता है, यानी टमाटर सॉस की अगर जो बात करें तो टमाटर सॉस में यूज होता है, एनिमल फीड्स में यूज होता है, फ्रोजन फूड्स में यूज होता है। तो ये फूड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो लंबी लिस्ट है, एक छोटे से वीडियो में उतना बताना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट मेरा है कि जो फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है, जैसे अगर आपने देखा कफ सिरप, खांसी जब होती है तो बच्चों को या आपको भी, तो खांसी के टाइम पे आप कफ सिरप पीते हैं तो उसका देखा आपने वो गाढ़ा होता है, लेकिन जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो बिल्कुल डाइल्यूट होता है, पतला होता है, लेकिन उसमें जब गवार गम मिलाया जाता है तभी वो गाढ़ा होता है। नेक्स्ट आता है वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट भी इसका एप्लीकेशन है, वाटर ट्रीटमेंट वाली जितनी इंडस्ट्रीज है तो वो गवार गम का यूज करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इससे पीछे छूटा नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी गवार गम का यूज होता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजिव, यानी जो बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं उन सब में भी एक्सप्लोजिव में भी गवार गम का यूज होता है। नेक्स्ट आता है बेकरी, जो खाने पीने की सुबह नाश्ते में हम लोग बेकरी के आइटम खाते हैं तो उसमें भी ग्वार गम का यूज होता है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा में भी देखिए यहां पर ये पीछे नहीं छूटा है ग्वार गम, ग्वार गम का यूज आयुर्वेदा में भी होते हैं। पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा पेपर इंडस्ट्री में भी ग्वार गम का यूज होता है। नेक्स्ट आता है गैस इंडस्ट्री, जैसे LPG गैस हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन गैस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट गैस की अगर हम बात करें तो गैस इंडस्ट्री में भी ग्वार गम का यूज होता है। तो ये सब एप्लीकेशन थी जो ग्वार गम का यूज होता है उनमें। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है HS कोड। देखिए HS कोड वो कहां आता है, 13 नंबर चैप्टर में आता है, तो 13 नंबर चैप्टर में जब आता है तो उसका HS कोड देखिए 130232 30। देखिए इतने आराम से मैंने आपको बताया, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इजी है, आप कहीं से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं क्रॉपिंग, क्रॉपिंग टाइमिंग क्या है, जुलाई अगस्त के आसपास ये लगाया जाता है और फिर नवंबर दिसंबर, जैसे अभी दिसंबर, अभी जनवरी का मंथ चल रहा है तो दिसंबर लास्ट मंथ ही इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, तो 4-5 महीने में ये क्रॉपिंग रेडी हो जाती है बनके। आपने भी, आप इसको भली भांति जानते हैं ग्वारफली, मैं इसको अगर पीछे दिखाऊं तो ये ग्वारफली इस टाइप की होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपने
भी खाया होगा घर में, हमारे यहाँ वेजिटेबल के रूप में इसको खाया जाता है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है ग्रोथ, यानी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लास्ट 5 ईयर का मैं स्टैटिक्स उठाया है, स्टैटिक्स में वहां जो देखने से मुझे पता चला है 2015 से 2019 तक जो YOY यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो मुझे देखने को मिला 20% पर ईयर ग्रोथ मिला, यानी अगर लास्ट ईयर एक्स वैल्यू का था तो उसके अभी इस ईयर में एक्स इंटू मतलब 1.2x का भी हो गया है, यानी 20% उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है, एवरी ईयर 20% का इंक्रीमेंट वहां पे देखने को मिला है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी वर्ल्ड का टोटल जितना प्रोडक्शन होता है उसका 90% इंडिया में प्रोडक्शन होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है, देखिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर कंट्री है हमारी कंट्री, लेकिन जो जितना भी वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है तो ओनली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो 700 करोड़ में से हम 138 करोड़ हम लोग 90% प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्वार गम का, और उसमें भी एक अच्छी बात है आगे मैं सोर्सिंग वाले पॉइंट में उसको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें जो 90% है वो क्वांटिफिकेशन है, उसकी बात करें तो 8.5 लाख मीट्रिक टन का पर ईयर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, और वो भी मतलब इंडिया से हमारे कंट्री से ओनली 90%, और जो बाहर बाकी कंट्री से अगर हम बात करें तो ओनली 10% वर्ल्ड का शेयर वहां पर आता है, 90% हम लोग ही उसका प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है सोर्सिंग, यानी अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप इसका सोर्सिंग कहां से करेंगे, सस्ते रेट पे कहां से मिलेगा आपको, ये 70% यानी इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है ग्वार फली का ग्वार गम का उसका 70% ओनली राजस्थानी प्रोडक्शन करता है। तो देखिए मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है राजस्थानी मेरे भाई बहनों से, जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ग्वार गम एक ऐसा आपके लिए प्रोडक्ट है कि उसको लेके आप अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आप ग्वार गम का बिजनेस कीजिए और अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कीजिए, और उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी वजह से कंट्री का कुछ फॉरेन रिजर्व आया है हमारी कंट्री में। तो जो 90% पूरे वर्ल्ड का इंडिया में होता है उसका 70% अकेला ही राजस्थान में होता है। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में ग्वार गम का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, यानी पूरे वर्ल्ड का अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 60% पूरा राजस्थान में ही होता है, जितना वर्ल्ड में कंजम्पशन है या जितना वर्ल्ड में टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 70% उसका 60% राजस्थान में ही है। तो अगर दूसरे बाकी राज्य की अगर हम बात करें कहां कहां इसका सोर्सेज मिल सकता है, तो हरियाणा में इसको आपको मिल जाएगा, हरियाणा से इसको आप ले सकते हैं, पंजाब से ले सकते हैं, यूपी से ले सकते हैं, गुजरात ले सकते हैं, महाराष्ट्र से ले सकते हैं, तमिलनाडु से ले सकते हैं, कर्नाटक से ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश से ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये राजस्थान और हरियाणा में मिलेगा। राजस्थान और हरियाणा पास-पास में हैं, तो राजस्थान का रुख आप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, यानी टोटल इंडिया का ग्वार फली का ग्वार गम जिसको बोलते हैं ग्वार फली का कितना एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो एक्सपोर्ट हुआ है 5.13 लाख मीट्रिक टन का क्वांटिटी ये है, और अगर रुपीज में हम बात करें तो रुपीज में एक्सपोर्ट 4,707 करोड़ का, यानी 4,700 करोड़ का यहां पर एक्सपोर्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वांटिटी, आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं डिमांड, यानी टॉप इंपोर्टर्स कंपनी कौन है, कहां कहां पर इसका डिमांड है, तो इसका डिमांड हर कंट्री में है। अगर मैं बात करूं मेजर कंट्रीज की तो यूएसए में इसका अच्छा डिमांड है, क्योंकि देखिए हम कई बार उसको टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो हम उसको नॉर्मली नहीं खाते हैं, या फिर मतलब कुछ फैमिली में खाते हैं कुछ फैमिली में नहीं खाते हैं, क्योंकि हम उसका जो एप्लीकेशन है सोचते हैं हम कि सब वेजिटेबल के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन जब हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं स्टडी करते हैं, क्योंकि हम अभी तो हम बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उसका डिटेल में रिसर्च करना रहता है, तो अभी हमें जानने को मिल रहा है कि उसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप उसको प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यूएसए, उसके बाद आता है जर्मनी, उसके बाद आता है नॉर्वे, उसके बाद आता है फ्रांस, उसके बाद आता है डेनमार्क, इटली एंड मैनी मोर देन 100 कंट्रीज। यानी अगर ग्वारफली का आप एक मैं प्लस पॉइंट यहां से बताऊं कि इंडिया से मोर देन 100 कंट्रीज में उसका एक्सपोर्ट होता है। आप स्टैटिक्स डाटा उठा के बात कर लीजिए, स्टैटिक्स आप देख लीजिए, इसका चेक कर लीजिए, इंडिया से 100 कंट्रीज में, किसी भी ऐसे जैसे आपका जो एक गोल पूरा पृथ्वी का वो बना रहता है ऑफिस में
में उसको अगर आप ऐसे घुमाएंगे, घुमा के किसी भी कंट्री पे हाथ रख दीजिए, वहां पे ग्वार गम आपका एक्सपोर्ट होता हुआ मिलेगा आपको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूं टॉप एक्सपोर्टर्स, यानी टॉप एक्सपोर्टर्स के क्या है, तो सबसे पहले नाम आता है इंडिया का। यानी आपको गर्व होगा इस चीज को सुनकर कि आपका देश, आपका हिंदुस्तान, ये इंडिया सबसे पहले नंबर पर है ग्वारफली, ग्वार गम का एक्सपोर्ट करने में। नेक्स्ट सेकेंड पोजिशन पे स्पेन है, थर्ड पोजिशन पे इटली, फोर्थ पे पाकिस्तान एंड नीदरलैंड जो पास की हमारी कंट्री है, नीदरलैंड फिफ्थ पोजीशन पे आता है यहाँ पर एक्सपोर्ट में ग्वार गम का। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है गवर्नमेंट बेनिफिट्स, यानी जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स है उसमें क्या क्या है। डीबी की आपको जो कस्टम की तरफ से मिलता है 0.15% डीबी की भी है, ड्यूटी ड्रॉबैक जिसको बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक भी यहाँ पे 0.15% का मिल जाता है। एमईआईएस भी यहाँ पे 3% का मिल जाता है ग्वार गम सीड के लिए, जो कि होता है मर्चेंडाइज इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, वो भी आपको यहाँ पर 3% का मिल जाता है जब आप सीड इसके एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका अगर ईपीसी अगर हम बात करेंगे तो ये खाने पीने की चीजें, फूड एग्रीकल्चर वाली चीजें हैं, तो इसके लिए ऑब्वियसली अपेड़ा लगेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर कीजिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।